अथ आगमो निरूप्यते। अथ उपमान निरूपणानंतरम् आगमः शब्द प्रमाणं निरूप्यते। उपमान का निरूपण हो चुका, हम शब्द प्रमाण का निरूपण कर रहे हैं। यहाँ अर्थापत्ति और शब्द प्रमाण इन दोनों में शब्द प्रमाण अधिक दर्शनकारों को सम्मत है, अर्थापत्ति उतने लोगों को सम्मत नहीं। इसलिए अर्थापत्ति से पूर्व में शब्द प्रमाण का ही निरूपण कर रहे हैं। शब्द प्रमाण किसको कहते हैं, उसका क्या लक्षण है? तो कहते हैं यस्य वाक्यस्य तात्पर्य विषयीभूत संसर्गः मानान्तरेण न बाध्यते तद्वाक्यं प्रमाणम्। जिस वाक्य का तात्पर्य विषय पदार्थ संबंध प्रमाणांतर से बाधित नहीं होता, वह वाक्य प्रमाण वाक्य होता है। अर्थात वाक्य से जो बोध होता है, उस बोध में क्या भासित होता है? अर्थ। अर्थ माने कि कौन अर्थ? वाक्य में अनेक पद होते हैं, प्रत्येक पदों का अलग अलग अर्थ होता है। ये सभी अर्थ शब्द बोध में आते हैं, भासित होते हैं, किंतु उससे अधिक क्या अंश भासित होता है? दो पदार्थों का संसर्ग। पूर्व में जब पद को सुनते हैं तो पदार्थ अलग अलग उपस्थित होते हैं, और शब्द बोध में वे पदार्थ एक विशेष विशेषण भाव रूप से जुड़ करके संबद्ध रहते हैं। ठीक है, हम एक उदाहरण दिखाएंगे। देवदत्तः पदार्थोपस्थिति हो रही है, देवदत्तः कर्ता, ग्रामः कर्म, गमनम क्रिया, ऐसे शब्दों का प्रयोग किए तो ऐसे शब्दों से आपको पदार्थ उपस्थिति है और वाक्यार्थ को आप ऊहित कर रहे हैं क्या कहना चाहता है ना। देवदत्तः ग्रामं गच्छति, ऐसा जब हम वाक्य बोलते हैं तो इस वाक्य से जो बोध हो रहा है उसमें देवदत्त और गमन क्रिया का संबंध मालूम पड़ रहा है। इस गमन क्रिया का कर्ता है देवदत्त, इस गमन क्रिया का कर्म कारक है गांव, ऐसा संबंध मालूम पड़ रहा है, लेकिन पदार्थ तो अलग है। तो वाक्यार्थ उसको हम कहते हैं जब पदार्थ आपस में परस्पर मिलित हो जाते हैं, संबद्ध हो जाते हैं। केवल एक पद के उच्चारण से जो अर्थ उपस्थित होता है, ऐसे अनेक पदों का उच्चारण हो जाने पर अनेक पदार्थ उपस्थित हो जाते हैं, फिर उसके बाद होने वाला जो शब्द बोध है उसमें वे पदार्थ परस्पर संगत समसृष्ट बन जाते हैं। इसमें दो पदार्थों का जो संबंध है संसर्ग, यह पूर्व में न ज्ञात रहा, वही उस शब्द प्रमाण का प्रमेय है। यदि दो पदार्थों का संसर्ग बाधित हो तो वह वाक्य अप्रमाण हो जाता है, और अबाधित है तो वाक्य को हम प्रमाण कहें। जैसे जलेन वृक्षं सिंचति, ऐसा एक वाक्य है, जल से वृक्ष को सींच रहा है,
देवदत्तः। हम यहाँ एक थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे, इस जल के स्थान में अग्नि ना जले ना ऐसा कर देंगे तो आपको एक बोध होगा, लेकिन उसमें वो बाधित हो जाएगा। सेचन, सेचन का कारण बनता है, कारण कारक बनता है जल, वो ठीक है, लेकिन उसके स्थान में हम अग्नि को लगाएंगे तो संबंध गड़बड़ा जाएगा, बाधित हो जाएगा। अग्नि से सेचन नहीं कर सकते हैं, अर्थात अग्नि सेचन का साधन नहीं बन सकता है। अच्छा, इसी तरह अग्निना वृक्षम दहति, यहाँ अग्नि के स्थान में हम जले न रख देंगे तो नहीं होगा। तो इस प्रकार क्या हो जाता है, वाक्य तो वाक्य है लेकिन उसमें जो संसर्ग प्रतीत हो रहा है वह बाधित हो जाता है, दो पदार्थों का संसर्ग। अब जहां संसर्ग बाधित हो जा रहा है ऐसे वाक्य को हम क्या कहेंगे, अप्रमाण, ये ठीक नहीं, अप्रमाण वाक्य है ऐसा कहेंगे, ठीक है। तो जिस वाक्य का तात्पर्य विषयी भूत संसर्ग बाधित न होता हो, अबाधित हो, प्रमाणांतर से बाधित न होता हो, तो ऐसे बोधजनक वाक्य को हम प्रमाण वाक्य, आगम प्रमाण ऐसा कहते हैं, ठीक है। यह इसका अर्थ है, यस्य वाक्यस्य तात्पर्य विषयी भूत संसर्ग मानांतरेण न बाध्यते तद्वाक्यम प्रमाणम्, ऐसा हुआ। यहाँ तात्पर्य विषयी भूत ऐसा क्यों कहा, तो इसका उत्तर देंगे, इसका प्रयोजन दिखाएंगे। किसी पिता का यह वाक्य है पुत्र के प्रति, संदर्भ ऐसा है, पुत्र पिता से अनुमति मांग रहा है कहीं जाकर भोजन करने के लिए, किसी के घर भोजन करने के लिए अनुमति मांग रहा है। पिता को वह इष्ट नहीं है वहां जाना, वह उत्तर देता है विषम भुंक्षो, विषम भुंक्षो। अब इसका क्या अर्थ होगा, विष को खाओ, यही ना उसका अर्थ है। राम पे ऐसा हुआ विष ग्रहण करेगा, नहीं होगा, समझे, उसके यहाँ भोजन करने से यही अच्छा होगा कि विष को खा जाना। तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसको विष खाना चाहिए, इसका इस वाक्य का तात्पर्य बनता है वहां भोजन नहीं करना चाहिए, यही ना, उससे अच्छा विष को खाना, इसका अर्थ ठीक है उसके उससे ये तो अच्छा है विष को खाना, इसलिए विष को खाना चाहिए ऐसा नहीं। किंतु तो इस वाक्य का तात्पर्य विषय अर्थ वहां पर किसी के घर में भोजन नहीं करना, वहां भोजन करना अनिष्ट साधन है, यह तात्पर्य विषय है, लेकिन प्रतीत हो रहा है विष भक्षण अच्छा है, तो विष भक्षण में इष्ट साधनता का बोध हो रहा है जो कि उसका तात्पर्य नहीं है उस अर्थ में। किंतु यदि वह पुत्र मूर्ख होता है तो उसके लिए तो वो भी उस शब्द से मालूम पड़ता है और वो भोजन करने के लिए तैयार भी हो जाता है, तो क्या होगा, वह तात्पर्य अविषयी भूत संसर्ग है ना। तो हम उस अर्थ में, उस अर्थ को यदि पुत्र समझता है कुछ खाना चाहिए तो हम कहेंगे इसको भ्रम हुआ है, इस वाक्य का ऐसा अर्थ है ही नहीं, ऐसा तात्पर्य है ही नहीं, ये भ्रम, भ्रांत अयम बालक, ऐसा कहेंगे, है ना। क्यों भ्रांत है, क्योंकि इस अर्थ में वह प्रमाण नहीं, क्योंकि इस अर्थ में उस वाक्य का तात्पर्य नहीं। तो जिस अर्थ में वाक्य का तात्पर्य होता हो उसी अर्थ में वाक्य प्रमाण बनता, तो इसीलिए तात्पर्य विषयी भूत संसर्ग ऐसा लगा। सामान्यतः जो कोई भी संसर्ग हो भाषित हो रहा हो तात्पर्य विषय या तात्पर्य विषय ऐसा नहीं, तात्पर्य विषयी भूत पदार्थ संसर्ग अबाधित रहे तो उस वाक्य को हम प्रमाण वाक्य मानेंगे।
और विषमभुंश इस वाक्य को इस अर्थ में हम प्रमाण मानेंगे कि उसके घर में भोजन नहीं करना चाहिए। इसी तरह परिसंख्या विधि के उदाहरण में सर्वत्र ऐसा हो जाता है। वहां वाली का श्री रामचंद्र के प्रति संवाद करते समय एक वचन आता है, पंच पंच नखा भक्ष्या ब्रह्म क्षत्रेण राघव। ऐसा कुछ परिगणना किया, यही पांच नख वाले प्राणियों में ये पांच ही खा सकते हैं। भक्ष्या, पांच नख वाले प्राणी तो बहुत हैं, उनमें से ये पांच ये भक्ष्य हैं। इसका अर्थ उन प्राणियों को का भक्षण करना है, यह उसका तात्पर्य नहीं। यदि करना पड़े तो हाँ, तो इससे अतिरिक्त का भक्षण नहीं करना चाहिए, ये उसका अर्थ। वो प्रसंग तो हम उस वानर उसमें आता नहीं, वो पांच में आता नहीं, इसलिए भोजन के लिए तुमने मुझे मारा ऐसा तुम नहीं कह सकते, यह प्रसंग है वहां का। तो पंच पंचन का भक्ष्या, तो पंच पंचन का भक्ष्या भक्ष्या मैं भक्षण करना चाहिए ऐसा उसका अर्थ नहीं। इससे अतिरिक्त पांच से अतिरिक्त का भक्षण नहीं करना चाहिए, यही वहां तात्पर्य विषय संसर्ग है। इसलिए परिसंख्या विधि उसको तो शूयमान जो अर्थ है यहाँ शुद्ध अर्थ है उसमें तात्पर्य नहीं, और दूसरे अर्थ में उसका तात्पर्य है। ये सब उसके उदाहरण है। वाक्य से हम कैसे इस अर्थ को समझते हैं इसकी एक प्रक्रिया है। पहले दूसरा व्यक्ति जब वाक्य को क्रमशः वाक्य घटक पदों का उच्चारण करता है तो उन पदों को हम क्रम से सुनते हैं, सुनते सुनते उन जितने पद हमने सुना तो उस पद का जो अर्थ है वो भी स्मरण में आता जा रहा है। प्रत्येक पद का अर्थ यह भी हमारे दिमाग में आ जाता है, लेकिन इतने मात्र से कोई शब्द बोध नहीं। ये सब पदार्थ अलग अलग है, पद पदार्थ संबंध इनका संबंध चाहिए। तो संबंध विषय का बोध होने के लिए चार कारणों की अपेक्षा है। वो क्या है? वाक्यजन्य ज्ञानी च आकांक्षा योग्यता आसक्तयः, आकांक्षा योग्यता आसक्ति ये तीन, और तात्पर्य ज्ञान चौथा। इति चत्वारि कारणानि, ये चार कारण अपेक्षित। यह नहीं मालूम पड़ता तो कुछ नहीं समझ में आता। कहेंगे आकांक्षा योग्यता और आसक्ति, ये तीन चार। योग्यता शक्ति, हाँ आसक्ति, आसक्ति माने सन्निधि, आओ सन्निधि वाला। हाँ वही क्रमशः इसका निरूपण कर रहे हैं। आकांक्षा, तो आकांक्षा क्या पदार्थ है? तत्र पदार्थानां परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्वम आकांक्षा। देखिए दो पदों में आकांक्षा है अथवा नहीं इसको कैसे हम समझेंगे? तो समझने का एक उपाय है, अच्छा उपाय है, किसी एक पद का आप उच्चारण कीजिए तो सुनने वाले को क्या जिज्ञासा होती है, वह दूसरा जो पद है जिसका आपने उच्चारण नहीं किया उसका उच्चारण करने पर वह आकांक्षा जिज्ञासा शांत होती है, तो समझ लीजिए इन दोनों में आकांक्षा है। ठीक है, जैसे गच्छति ऐसा हमने कहा, सुन करके वो पूछता है कौन, कहा कहा ऐसा पूछेगा, तो हमने देवदत्तो गच्छति इस वाक्य में से एक अंश का उच्चारण किया था। अब उसके पूछने पर उसकी जिज्ञासा हो गई तो हम पूरा वाक्य बता देंगे देवदत्तो गच्छति, तो हो गया उसका आकांक्षा शांत हो जाती है। तो इस प्रकार जहां आकांक्षा शांत होती है
तो समझना चाहिए उन दोनों पदों के बीच आकांक्षा है। इसी प्रकार देवदत्तः ऐसा इतना ही हमने कहा तो वो पूछेगा क्या का किम करोती, देवदत्तः किम करोती, है ना। तो गच्छति कहने पर उसकी आकांक्षा शांत हो जाती है। तो इस प्रकार एक पद का उच्चारण होने पर सुनने वाले को जिस विषय में आकांक्षा होती है उस आकांक्षा का पूरक जो पद होगा वह दूसरा पद और पहले उच्चारित पद दोनों में आकांक्षा है, यह समझना। यह अर्थ के ऊपर निर्भर है। पदार्थानां परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्य, ठीक है। जिज्ञासा विषय हो जा होना परस्पर, एक पद के उच्चारण करने पर दूसरे पद के अर्थ में जिज्ञासा उठना, वह जिज्ञासा विषय होने के योग्य हो होता हो तो आकांक्षा। ऐसा है देवदत्त गांव को जा रहा है, देवदत्तः ग्रामं गच्छति, ऐसा एक वाक्य वहां लिखा हुआ है। यज्ञदत्तः भोजनं करोति, दूसरा वाक्य लिखा है। हमने इतना लिखा, इतना कहा यज्ञदत्तः भोजनं, इतना कहा तो क्या होगा, उसको आकांक्षा हो क्या भोजनम, उसके बाद क्रिया की आकांक्षा होगी। तो हम ऐसा कहेंगे पूर्व वाक्य में देवदत्तः है ना, तो हम उस देवदत्तः ऐसा पद का उच्चारण कर दें तो सुनने वाले की आकांक्षा शांत होती है क्या? नहीं, क्योंकि वो उसके साथ आकांक्षित नहीं है। तो देवदत्तः ऐसा उस शब्द को इसमें आप लगाएंगे तो वह अनन्वित हो जाएगा, अर्थात उन दोनों में आकांक्षा नहीं रह जाएगी। इसी प्रकार इस क्रियापद को उस क्रिया उस वाक्य में, यहाँ भक्षयति है ना अथवा करोति कुछ है, देवदत्तः ग्रामं करोति, यज्ञदत्तः भोजनं गच्छति, ऐसा यदि दूसरा दूसरा क्रिया लगा दें तो भी क्या हो जाएगा, वहां आकांक्षा शांत नहीं है ना, तो इसलिए वहां निराकांक्षा हो जाता, आकांक्षा नहीं। तत्र पदार्थानां परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्वं आकांक्षा, ये जिज्ञासा के योग्य पदार्थ कौन होते हैं, इसको पहचानना कैसे, सब जगह ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, परीक्षा तो नहीं किया जा सकता है, इसलिए एक लक्षण बता रहे हैं। क्रिया श्रवणे कारकस्य, तस्य श्रवणे क्रियायाः, जब क्रियापद का श्रवण होता है तो उसके बाद उसके कारकों के विषय में जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। इसी प्रकार कारकवाचक पद सुनते हैं तो क्रिया में आकांक्षा होती है, किस क्रिया के कारक है, तो क्रिया विषय का जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। इसलिए क्रियापद और कारक पद इनमें आकांक्षा होती है। इसी तरह करण श्रवणे इति कर्तव्यतायाश्च जिज्ञासा विषयत्वा, पूर्व मीमांसा में वाक्यार्थ को एक विभाग करके रखते हैं, एक भावना, भावना माने कृति, कृति को मुख्य वाक्यार्थ में प्रधान विशेष भूत मानते हैं और कृति में वाक्य घटक सभी पदार्थों का संबंध रहता है। उन पदार्थों में तीन विभाग करते हैं, कुछ कृति के साध्य होते हैं, कुछ कृति के साधन बनते हैं, कुछ इति कर्तव्यता। उदाहरण दिखाए वही उदाहरण ले लेते हैं, राम रावण को बाण से मारता है, यह हुआ। इस वाक्य से जो
बोध हो रहा है, उस बोध में देखिए दार्शनिकों की प्रक्रिया कैसी है। यह वाक्य किसके बारे में बताता है, तो राम के बारे में बताता है, राम प्रधान है, ऐसा तार्किक बोलेगा। तो रामः बाणेन रावणं हन्ति, तो यह इसमें राम प्रधान है, मुख्य विशेष है, और राम किस तरह का है बाकी सब उसके विशेषण है। राम ऐसा है जो कि रावण को मारता है, वो जो मार उसकी जो क्रिया है मारना, उसमें बाण करण है, इस तरह क्रिया से विशिष्ट है वह, जिस ऐसी क्रिया है हनन क्रिया जिसका कर्म रावण बनता है और जिसका साधन बाण, ऐसे हनन क्रिया वाला है यह राम। तो राम के बारे में यह वाक्य हमें कुछ विषय बताता है, ठीक है। तो राम प्रधान है, प्रथमांत को मुख्य विशेष मानते हैं, बाकी सब उसके विशेषण। यह शब्द बोध में ऐसे शब्द बोध को मानते हैं नैयायिक। आपको